नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आईबीएन 24 न्यूज़। और आपको बता दें, इस समय हम जो करनाल की एक तो सब्जी मंडी है, पुरानी सब्जी मंडी, और एक जो नाले के पास सब्जी मंडी 2016 में नियुक्त की गई थी कि अब से ये सब्जी मंडी रहेगी, लेकिन आज उसके हालात आप देख लीजिए, जिसे स्थायी मंडी बना दिया गया था। और वहाँ पर आप देख लीजिए, सारे दुकानदार जो सब्ज़ी बेचने वाले खड़े हैं, लेकिन कितनी तादाद में खड़े हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है, आप देख लीजिए सामने की तरफ, यहाँ पर हर तरह का आलू प्याज, हर तरह की जो है यहाँ पर फड़ी लगा करती थी। और आज के समय में आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हालात हैं। यहाँ पर मुश्किल से गिनती के जो है 30-40-50-60 दुकानदार दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है सब्जी की जो ठेले यहाँ पर लगा करते थे। लेकिन आज के समय के अंदर यहाँ इसी बात को लेकर ये सारे दुकानदार परेशान हैं। इनका ये कहना है कि आखिर जब इसे सब्जी मंडी नियुक्त कर दिया गया था, तो पुरानी सब्जी मंडी के अंदर ज़्यादातर यहाँ के जो दुकानदार हैं वो वहीं जाकर फिर से बस गए हैं और वहीं पर जाकर वो रेड़ियाँ लगाते हैं। तो अब इसमें परेशानी की बात ये है कि अगर वो इस तरीके से वहाँ पर सब्जियों मंडी, पुरानी सब्जी मंडी में अगर अपने ठेले लगाते हैं, तो यहाँ पर पब्लिक का आना जाना लगभग ख़त्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके की ये मंडी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि किसी छोटे मोटे इलाके की ये सब्ज़ी मंडी है। आप देख लीजिए कितने लोग और यहाँ पर हैं और कितने लोग पुरानी सब्ज़ी मंडी में होंगे, ये भी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है। सबसे पहले यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमचंद जी। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, जिस तरीके से यहाँ पर कामकाज कैसा है और कब ये चले गए, कैसे इसके बारे में जानकारी? ये हमारा ये बहुत देखो, ये 2016 में यहाँ पे गवर्नमेंट ने सरकारी मंडी दी थी, स्थाई मंडी कहा था, यहाँ बोर्ड लगाए थे गए कि यहाँ पे 2016 में यहाँ पे काम बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ सब खुश थे। अब ये कोरोना की वजह थोड़ा उठ गया यहाँ से, तो वहाँ चले गए, उधर उधर हो गया सारा कुछ, तो अब ये प्रशासन ने वहाँ से हटा देता, भगा देता। अब पीछे से भगाया था उन्होंने भी, आपने वहीं नाले पे जाओ वापस, हम यहाँ नाले पे आ गए वापस। ये कोई बंदा है यहाँ पे पुरानी मंडी के अंदर, वो जाके वहाँ मेयर के पास चले गए हैं। मेयर ने उनको ये कह दिया भी, आप यहाँ मंडी में रेडी लगाओ सड्डों के ऊपर, जो कार पार्किंग जगह उसको छोड़ दो, उसके साइड पर अपनी रेडियाँ वगैरह लगाओ, आपको कोई नहीं तंग करेगा, कोई नहीं परेशान करेगा। हम तो ये वही चीज़ सुन के यहाँ पे आ गए, यहाँ हमने दुकानदारी लगा ली, खोल ली। उस दिन थोड़ा काम ठीक चला हमारा, थोड़ा काम ठीक चला, उसके बाद तो ना तो गा के ना कुछ है, लेना देना कुछ है ही नहीं है। हम 10,000 का माल आते हैं तो हमारी सेल होती है 500-600-700 रुपये, बाकी हमें 3-4 दिन में हमें वो पैसे ऐसे उठ जाए। और हमने लिया हुआ गवर्नमेंट वाला कर्जा, ये प्रधानमंत्री वाला ना 10,000 वाला लोन ये लिया था, उसके ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। अब हम किस कहाँ से चुकाएं उनकी, जब हमारा काम का नहीं, कस्टमर यहाँ एक भी नहीं है। आप खुद देख लो सारे पास, एक भी कस्टमर, कोई दुकानदार, सारी खाली पड़ी है, देख लो आपके सामने। तो यहाँ आपकी शिकायत ये है कि अगर वहीं पर सारे के सारा जो कस्टमर है वहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ कोई नहीं आएगा, तो कैसे आप दुकानदारी चलाओगे? यही आपकी, हाँ जी, शिकायत बिल्कुल, यही है। हाँ जी बिल्कुल जी, ये हमें भी, ये हमें भी वहाँ जगह दी जाए। पहले इसे स्थायी बनाया गया, फिर वहाँ बीच में कई बार गए, कई बार आए, क्योंकि नगर निगम की वजह से जो है उठा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अब वहाँ पर चले गए, लगभग सारी ज्यादातर जा चुकी हैं, यहाँ तो काफी खाली लग रहा है। सारे खाली हो जाए, तो बस बैठे देखो आपके सामने ही है, अब जगह वहाँ है नहीं बिल्कुल भी, तो हम कहाँ जाए? हमने लोन ले रखा, गवर्नमेंट किस्त भी देनी है, बच्चे भी पालने हैं, कई तो बच्चे कईयों को मकान किराए पे, कराया नहीं उनके पास पूरा जी, मकानों का कराते हो तो 3-4 महीने का करा रुका पड़ रहा उनका। तो आप वहाँ पर क्यों नहीं लगाते हो अपनी? वहाँ जगह नहीं है जी बिल्कुल भी, रोड के ऊपर जगह, वहाँ कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो जाए जाम लग जाता है, वहाँ पे कैसे लगाए वहाँ पे, आप बताओ, जगह है ही नहीं बिल्कुल भी, पैर रखने की जगह नहीं होती। शाम को तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, सुबह शाम दो टाइम बहुत बुरा हाल हो जाता है, कभी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। अब रोड के ऊपर वहाँ गाड़ी, कार वगैरह, ट्रक तक निकलते हैं वहाँ से, किसी के साथ कोई हादसा होगा ना, गरीब आदमी है सारे। अब हम तो ये चाहते हैं भी प्रशासन हमें, जैसे हमें पहले ये दे रखा था, अभी हमारे पास ही है ये सारा आपके सामने लगा हुआ, सारा शेड लगा हुआ। आप रहना यही चाहते हैं कि, लेकिन यहाँ पर जितनी मंडी है वो यहीं बसनी, यहीं बसनी चाहिए जी, यहीं आना चाहिए सारा कुछ, कस्टमर यहीं आएगा, सारे यहीं आना चाहिए, ये सारे बजे छोटा बड़ा गरीब। कितने समय से ये ऐसा चल रहा है यहाँ पे? ये देखो जी, लॉकडाउन के बाद ही होगा था, उसके बाद का ये हाल चल रहा जी, ऐसा ही है, ऐसे चल रहा। प्रशासन हमें वहाँ दे देता चेतावनी भी, आप हम वहीं जाओ अपने नाले पे जाओ। अब जब हमें स्थायी मंडी दे रखी है यहाँ पे लगाने के लिए, तो बाकी वहाँ पे लगवा रखी है पुरानी मंडी में, वो भी हटवा के यहाँ पहुँचवाई जाए, या हमें भी कोई वहाँ कहीं बसाया जाए। नगर निगम की गाड़ियाँ भी आ जाती हैं कई बार, कई बार आ जाती है जी, नगर निगम की गाड़ियाँ भी आती हैं वहाँ पे, हमें वो कह के चले जाते हैं, पर वहाँ से यहाँ भेजते नहीं है वो। अब हमारे वर्ग आगे गरीब आदमी आ गए, जिन्होंने लोन वगैरह लिया वहाँ पे चल रहा, किसी का अब क्या करें।
एक बार आते हैं आपके पास भी, पहले एक बार मंडी आपको दिखाना चाहेंगे कि एक बार आप चल के देख लीजिए इस मंडी के अंदर। हम भी कई बार आए हैं, सब्जी खरीद कर गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो आज देखने को मिल रहा है तो ये बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल एक तरह से ऐसा लगता है किसी उजाड़ बियाबान जगह में आ गए हैं और यहाँ पर ज़बरदस्ती की कोई मंडी बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हर जगह पर आपको जो है ये सारे के सारे छोटे छोटे शेड से बनाए हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि, और ये मंडी बड़े अच्छे से बसी हुई थी, यहाँ पर आप देख लीजिए। जी, 4 दिन से दुकान लगा रखे हैं, सब बासी माल बेचते हैं। इसमें हमारा जितनी लागत है वो सारे दिन में 4,000 के माल लाए हैं, 400 रुपये बढ़ते हैं, और वहाँ से सबने हमारे शरीफ आदमी को भगा दिए। सब्जी नहीं बिक पाती, बिकने पाती, सारी बासी हो गई। हमने बच्चे भी पालना है, सब करना है, देखो बीवी बीमार पड़ा है, उधर सोया हुआ है, किराए की मकान में रहते हैं। कहाँ से है आप? हम अर्जुन गेट, ये करनी गेट, यहीं रहते हो, करनाल रहते? हाँ जी, किराए के मकान में रहते हैं। अभी तक गले में 50 रुपये नहीं है, अभी 2 बज गया है। पहले ठीक था काम? पहले बहुत जमिया मंडी लगी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया था, जब था तो मैंने 10,000 कर्जा भी होता था, यहाँ तो तोड़ लिए थे, कमाई बहुत बढ़िया था। अब क्या हुआ, कर्ज में भी डूब गए, किस्त भी वाले को देना पड़ता है, यहाँ पे आके मेरे साथ किस्त वाले फाइनेंस वाले सारे मांगता है, यहाँ कमाई होता नहीं, मैं धक्के शायद क्या कर सकता हूं? मतलब खराब हो जाती है, फिर नुकसान बासी हो गया, सारा उसी में निकल जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए हम सोचते क्या करें यहाँ से, सारे मूली उली सारे बासी। आप देख लीजिए, ये ताज़ा धनिया ये लाए, लेकिन जब बिकता नहीं है तो उसे क्या करें, दोबारा से रखा है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर पत्ते इसके ख़राब हो गए हैं। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, ये मूली के पत्ते, मूली भी मुरझा चुकी है बुरी तरीके से, और ये हालात यहाँ पर हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ग्राहक नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ एक और जगह चलते हैं, यहाँ देख लीजिए, सभी आप देख लीजिए ठेले यहाँ पर सब के सब जो है रस्सों से बांध के इन्हें रखा हुआ है। और आगे थोड़ा चल के देखिए, ये मंडी जो है, आपको बता दें दोस्तों, 2016 के अंदर जो है इसे जब यहाँ पर तैयार किया गया और बताया गया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती थी, वहाँ कुछ दुकानें भी, कुछ शोरूम भी बन चुके हैं, और वहाँ पर पार्किंग है, मेन जो बात है, वहाँ पर पार्किंग बनाई गई है पुरानी सब्ज़ी मंडी में, क्योंकि यहाँ के लोगों की शिकायत थी कि अगर आप हमारी गाड़ियों के चालान काटते हैं तो हमें पार्किंग दीजिए। तो जब प्रशासन ने उनको पार्किंग देने के लिए उन्हें यहाँ पर कहा कि आपके लिए पार्किंग तैयार कर दी गई है पुरानी सब्ज़ी मंडी के अंदर, और अब वो वहाँ से सारी मंडी यहाँ पर जो है आएगी, और शुरुआत में थोड़े इसके ऊपर कई सवाल उठे, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर सभी दुकानदार आ गए, और उन्होंने जब धीरे धीरे यहाँ पर अपनी शेड बनानी शुरू की, और फिर धीरे धीरे सारी जो मंडी यहाँ पर जो है आ गई। और लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगह पर देख लीजिए, यहाँ जाके मंडी ख़त्म हो जाती, इससे आगे भी मंडी थी, इससे आगे मंडी जहाँ तक आप देख रहे हैं वहाँ तक पीछे तक मंडी हुआ करती थी। देख लीजिए, सिर्फ पत्थर पत्थर यहाँ रह गए हैं जिन पर यहाँ आगे सब आलू प्याज सब चीज़ें रखी जाती थी। पीछे की तरफ दिखाना चाहेंगे, इस तरफ देख लीजिए, इधर यहाँ पर भी देख लीजिए, मंडी यहाँ से भी मैं भी कई बार सब्जी खरीद के जा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए सब लोग यहाँ से वापस जा चुके हैं। और ये देख लीजिए, सिर्फ आलू प्याज यहाँ बेच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बेचने का हिसाब ही नहीं लग रहा है, जबकि यहाँ पर बड़ी बड़ी ढेरियाँ लगाई जाती हैं। बात करते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे, कैसी सेल सुल चल रही है? कुछ नहीं है सर, 4 दिन से ऐसे ही खाली बैठे हैं, 4-5 दिन से कुछ नहीं है, 1 रुपये की भी सेल नहीं हो रही है, और जो सब्जियाँ लाए थे वो भी खराब हो गई हैं, सड़ गई हैं, हरी सब्जियां लाए थे, बस ये आलू प्याज ही बचा है, यही बेच रहे हैं। बस आलू प्याज, मतलब कितना बिका सुबह से? सुबह से 1-2 किलो बिका, बस कुछ नहीं बिका। ग्राहक नहीं है? ग्राहक है ही नहीं। क्या कहेंगे प्रशासन से? क्या पुरानी मंडी में दौड़ रहे हैं, पहले से वहाँ से उठा दिया सब ने, और अब वहाँ पे आधे लोगों को जगह दे दी, हमारे को जगह नहीं दे रहे हैं, अब आधे जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, वो या तो सबको इधर भेजो या फिर सबको उधर जगह दो, कुछ तो इंसाफ होना चाहिए। वही मांगे कि या तो आप वहाँ चले जाएं या सब इधर आ जाएं, या तो सभी को वहाँ जगह दी जाए या फिर हमारे को भी। जी जी बताइए। सब बात ये है सर, जितने भी विद्यार्थी वहाँ पर बैठे हैं, जितने भी लोग वहाँ पर, जितने भी जो रेड़ी फड़ी वाले बैठे हैं, वो सब की ये दुकानें जितनी फड़ी आपको दिख रही है खाली, वो सभी की उन्हीं की है। तो मैं प्रशासन से सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा, क्यों मेन रोड पे उनको बैठाया जा रहा है, वो किस लिए बैठाया जा रहा है? ताकि उनकी ये जगह सारी खाली पड़ी है, तो उनको सभी को यहाँ पर क्यों नहीं भेज रहे हो? इसका क्या रीजन है, क्या मतलब है इस चीज़ का? हालांकि उनको रोड पे बैठा रखा है, तो रोड पे किसी को भी व्यक्ति को बैठा नहीं सकते हम, सब जी बेच सकते हैं। हालांकि सारी मंडी खाली पड़ी है, ये सब फड़ी वालों की यहाँ पर खाली है, सब कुछ है। ये एक बार कैमरा करना मैडम, हाँ ये देखो आप, ये एक बार देखो, ये सभी उन्हीं के जो से बंदे बैठे हैं वहाँ पर, सभी रोड जाम करके बैठे हैं, तो उनको यहाँ पे जाए
जिससे कि सारी जगह खाली पड़ी है और पार्किंग की सुविधा, ये देखो मैडम सारी पार्किंग खाली पड़ी है और शहर के बीच में क्यों लगाया जा रहा है उनको, इसका मतलब हमको समझ नहीं आ रहा जी। तो कृपया मैं प्रशासन से यही दरख्वास्त करूंगा कि सभी बंदे को यहाँ पर जिन जिन की फड़ियां हैं उनको सभी को पुरानी मंडी से यहाँ पर मुगल कर्नाट मंडी में, तो मेरे ख्याल से मतलब इससे 10 गुना ज्यादा इस समय रेडियां लगी हुई है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो आप भी देख रहे हो कि कितना जाम लगा हुआ है वहाँ पर, ठीक है जी। तो मैं यही प्रशासन से दरख्वास्त करना चाहूंगा जितनी भी ये फड़ियां खाली पड़ी है उनको वापस यहाँ पर भेजा जाए और ट्रैफिक को भी कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, देख लीजिए यहाँ पर ये जो लोग हैं ये सब वहाँ पर उस समय अपनी सब्जियाँ बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अपनी सब चीज़ों को कवर करते हुए या जो बड़े बड़े जिनके कंटेनर्स हैं जिनके अंदर वो सब्जियाँ रखते हैं वो यहाँ पर उन्हें कवर करके वहाँ पर जो है ठेलों पर अपनी सब्जियाँ बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन ने उन्हें जगह तो दी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर इस मंडी का जो आपको हाल दिख रहा है इसके? सर मंडी जो सब लोग वहाँ लगा रहे हैं और हम लोग को भी वहाँ नहीं लगाने के लिए दे रहा, और सारे लोग वहाँ, हम लोग भी बाल बच्चा पालना है, सारा सौदा सूख गया मेरा, धूप में नहीं चल रहा काम धाम। सब कैसी चल रही है बिक्री? कुछ नहीं चल रहा भाजी, सारा सौदा 10,000 लाए सामान सब, जो 10,000 रुपया लिए थे मोदी वाला नहीं आता था उसी से लोन लिए थे, वो भी पैसा मेरा डूब गया। तो मतलब मांग यही है, सभी कह रहे हैं कि या तो मंडी यहाँ है या वहीं पे चले जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा सारे आदमी का, सबका चलेगा। कस्टमर तो आ नहीं रहा है, कस्टमर यहाँ नहीं आ रहा भाजी, क्योंकि कस्टमर को वहाँ पे ज्यादा आसान लगता है पहुँचना। शुरू पुरानी मंडी तो पहले वहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर जब लगी थी तब यहाँ भी काफी अच्छा चल पड़ा था। हाँ यहाँ पर भी अच्छा, सब इकट्ठा थे, सारे आदमी को काम चल रहा था, अब वहाँ काम वहाँ से सब आदमी इकट्ठा हुए तब काम चलेगा। सर वही ना मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जब उनकी जगह यहाँ पर खाली पड़ी है और एक कोई ट्रैफिक का भी वो नहीं है तो उनको यहाँ पर क्यों नहीं भेजा जा रहा है? जी 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 जी, सड़क के बीच में सब्जी बेच रहे हैं वो तो सरस गलत है बिल्कुल। जी जी जी, तैयार है नमी मंडी वाले, 350 भरी है, फिर आएंगे कहाँ बैठाएंगे उनको वहाँ पे पुरानी मंडी, तो दिक्कत आएगी कि नहीं? यहाँ पर आपको लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें, लोगों को भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर ये मंडी का ठेकेदार 20-20 रेडियो लगा रहा है वहाँ पे, जैसे वहाँ पुरानी मंडी में एक ठेकेदार 20-20 रेडियो लगा रहा है, तो इस वास्ते वहाँ दूसरे बंदों को जगह नहीं मिल पा रही है, वो अपना उससे फिर किराया वसूलते हैं जी, ये प्रोसीजर है वहाँ पे। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि सबको यहाँ पे भेजा जाए जल्द से जल्द, ये वापस आनी चाहिए मंडी, आपकी मांग है मंडी यही वापस, मंडी यही आनी चाहिए वापस, जल्द से जल्द कार्रवाई करें इस पे प्रशासन। 2016 में गवर्नमेंट ने सरकार ने यहाँ बोर्ड लगा था बकायदा, यहाँ 2016 में दी थी ये स्थाई कहा था, ये स्थाई है यहाँ पे, इनको कोई यहाँ से उठाएगा नहीं कुछ नहीं है, वो वहाँ पे नहीं लगी, यहाँ पे बेचना चाहिए वापस। मंडी तो यहाँ आ भी गई थी और अच्छे से चल रही थी, हमारे यही गुजारिश है अभी प्रशासन से भी ये स्थाई जब देर किया तो उनको भी यहीं वापस भेजो, जो भी लगा रहे ना वहाँ पे वो सब यहीं वाले वहाँ पे है। या आपकी मांग है कि जब तक वो वहाँ रहेंगे तब आपको भी वहाँ पर रहने दिया जाए? हाँ जी हाँ जी, नहीं हम ये सस्ता ही हमें दे रखा है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है प्रॉब्लम यहाँ पे, यहाँ कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ खुले डुल्ले कमाओ। आपका कहना है कि अगर आप वहाँ लगाओगे तो फिर नगर निगम वाले आ जाते हैं? आ जाते हैं जी, वो तो आएंगे फिर डंडे मारते हैं, गाड़ी सामान उठाते हैं फेंक देते हैं, हमें यही जगह यही पहुँचाई जाए हमारी, जब हमें सताई देर की ना तो सताई जगह पे हमें भेज दो। दिनों तो एक बार आए थे शायद आप लोगों को, तब उन्होंने वार्निंग देकर छोड़ा भी था और कहा था कि 10,000 रुपए का लोन लेकर आप अपना काम कर सकते हैं। हमने लिया जी लोन, लिया जी हम, अब क्या करें जी, बताओ लगाए हैं और लोन के आधे पैसे तो वैसे उड़ गए, मौके पर कोई एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वार्निंग देकर आपने सारा सामान देख लिया, लेकिन वापस फिर से मंडी वहीं जा रही है, बारी बारी लोग वहीं जाते हैं। हाँ लोग वहीं जाते हैं, जब वहाँ पे वो हटेंगे नहीं, यहाँ नहीं आएंगे तो ये हाल होगा, पब्लिक भी वहीं जाएगी, पब्लिक वहीं जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी मांग यही है कि, और आपको बता दें कि जो मंडी है सबसे पहले पुरानी मंडी वही थी, लगभग कई सालों से जब से हमने होश संभाला तब से हमने देखा कि मंडी वही थी, लेकिन जब यहाँ पर आई तो उसके बारे में पहले कई सवाल उठे, लेकिन अब जब यहाँ आ गई तो पब्लिक को भी ऐसा ही लगेगा कि मंडी यहीं पर है तो पब्लिक को भी यहीं आना पड़ेगा, और पब्लिक आ भी रही थी। ये मंडी आपको जो भी हालात दिख रहे हैं, ये बड़ी हरी भरी मंडी जो है यहाँ पर हुआ करती थी, आपको बता दें लगभग इस बात को 2 साल जो है हो चुके हैं, और मैं यहाँ से कई बार सामान खरीद के जाता था तो काफ़ी अच्छी भली मंडियाँ चलती थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हाल है ठेलों का। लोगों के पास सामान देख लीजिए एक बार कि कितना कितना सा सामान वो रख के जो है यहाँ पर, ये सोचकर कि शायद थोड़ा सा ये बिकेगा तो कुछ और ले आएंगे, कुछ और बेच लेंगे, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि सामान जो है कैसे मुरझा रहा है, ये देख लीजिए यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, जबकि मौसम अभी ऐसा नहीं है, कोई इतनी गर्मी नहीं है कि ये इतनी जल्दी मुरझा जाए, और ये देख लीजिए कैसे ढीला ढीला सामान, यानी कि
आखिर वो उसे क्या करेंगे, क्या उसे फेंकेंगे? तो सवाल तो यही है। तो ये सारी जो कहीं ना कहीं जो है पुराना जो सामान जो है यहाँ पर, वो नया लाते हैं लेकिन पुराना हो जाता है। और लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें। और भी देख लीजिए, दूसरी तरफ मंडी है, वहाँ पर भी सामान जो है किस तरीके से वो यहाँ पर बेच रहे हैं। भैया क्या कहेंगे, कहीं सेल वगैरह कैसी है? सेल तो कम ही है, कम है सेल, तो सामान भी ख़राब वगैरह हो जाता है क्या? हाँ जी, हाँ जी हो जाता है, हो जाता है। हाँ जी, क्या कहेंगे प्रशासन से? ये कहेंगे जी सारों को एक जगह इकट्ठा कर दें, सारे एक जगह वहाँ चले जाएं या यहाँ आ जाएं। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो सारी उनकी दुकानें सारी खाली पड़ी हैं, वो अपनी दुकान पे क्यों नहीं आके बैठते? ना होरों को बैठने दे रहे, ना खुदा बैठते हैं, तो अपना और रास्ते के बीच में जाके रेडे लगा के खड़े हैं, तो किस लिए प्रशासन उनको वो दे रहे हैं? तो बीच में आ जाए उनको स्थाई मंडी दे रखे, तो स्थाई मंडी में उनको बचाया जाए वापस। यहाँ पर सिर्फ एक ही मांग है कि जो स्थाई मंडी बनाई गई है उसी को ही स्थाई रहने दिया जाए। काम से वो खुश थे पहले, लेकिन आज जो खासे नाराज हैं क्योंकि काम नहीं है, पैसा कमाने को नहीं मिल रहा है। सब्जियों का हाल आप देख रहे हैं, वैसी की वैसी पड़ी है। दिन कितना हो चुका है, लगभग आप देख सकते हैं कि कितना समय जो है दोपहर का निकल चुका है, लेकिन फिर भी हालात आप देख सकते हैं कि कितनी सब्जी पड़ी हुई है और कितनी उनकी बिकी है, और कौन लोग इतनी सी सब्जी के ठेले लगने पर यहाँ पर इसे मंडी समझकर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं आसपास के कुछ लोग जो है पीछे के इलाके के हो सकता है यहाँ आ जाते हों, क्योंकि पीछे से भी रास्ता नाले से निकलता है कुछ कॉलोनियों का, सेक्टर 14 का जो है रास्ता निकलता है, लेकिन जो उधर का सारा कस्टमर है वो यहाँ पर नहीं आता है। तो ऐसे में जो है जहाँ पर ज़्यादा मंडी लगती है हमेशा कस्टमर वहीं पहुँचता है। तो प्रशासन से अपील है कि या तो इसे स्थाई मंडी बनाया गया है तो यहीं पर सबके सब जितने मंडी वाले हैं वो यहीं पर आएं, अन्यथा जब तक भी अगर कोई कोरोना की बात है कि यहाँ नाला है या उसको लेकर किसी ने कोई इस तरह की कोई भी प्रशासन से कोई अपील की है कि तब तक जो है मंडी वहाँ लगे, तो तब तक इन लोगों को भी अलाउ करना चाहिए कि ये भी लोग अपनी वहाँ पर मंडी लगा सके। तो जितना भी हो सके इस खबर को शेयर करें और फिर से जुड़ेंगे आप इन 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।